मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम इन सोशल साइंस क्लास। बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन रीड की थी। फ्रेंच सोसाइटी वार डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जीज थे, सेकंड स्टेट में नॉवल्टीज आते थे एंड द थर्ड स्टेट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी थी बिग बिजनेस मैन, मर्चेंट्स, कोर्ट्स, ऑफिशियल्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, और सेकंड कैटेगरी थी बेटा पीजेंट्स और आर्टिशंस की, आपको ये लर्न करना पड़ेगा। और थर्ड कैटेगरी में वो लोग आते थे जिनके पास कोई भी लैंड नहीं थी, यानी कि लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स और स्मॉल पीजेंट्स। तो ये जो सोसाइटी थी इसमें जो सारा बर्डन था टैक्सेस का वो किसके ऊपर था? थर्ड स्टेट के लोग, जो 90% पॉपुलेशन थी वो राजा को भी टैक्स पे करती थी और चर्च को भी। जो चर्च को टैक्स पे किया जाता था उसका नाम क्या था बेटा? टीथे। और जो स्टेट को दिया जाता था उसका नाम क्या था बेटा? टैले। टीथे और टैले, ठीक है। अब इस पिक्चर में हम देखते हैं कि इसमें एक रिच पर्सन है, दिखाई दे रहा ना, ये रिच पर्सन है और ये गरीब है, पुअर पर्सन है। अब वो क्या दे रहा है? रिच पर्सन को टैक्स दे रहा है और वो रिच पर्सन कह रहा है भी मेरा अभी भी पेट नहीं भरा, मुझे और देते जाओ, और देते जाओ। तो ये एक्सप्लोइटेशन को शो कर रही है पिक्चर। इस फिगर में हम समझ सकते हैं द स्पाइडर एंड द फ्लाई, यानी कि जैसे जो पीजेंट्स थे वो गरीब थे, पुअर थे और वो फ्यूडल्स के पास काम करते थे, और एक बार जैसे ही वो उनसे कुछ पैसा लेते थे तो सारी ज़िंदगी उस उनके बुने हुए जाल में ही उलझ कर रह जाते थे, यानी को कभी भी ऋण से उऋण नहीं हो पाते थे। जब एक बार वो उनसे लोन ले लेते थे तो उनके लिए वो लोन जो था प्रॉब्लम बन जाता था। ये सिचुएशन हमारी कंट्री के अंदर भी थी, जो बड़े ज़मींदार थे वो क्या करते थे, जो पुअर से उनको उनकी जब उनको ज़रूरत पड़ती थी तो वो उनको लोन दे देते थे, कर्जा दे देते थे, और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता था। इस तरीके से वो बेचारे सारी ज़िंदगी जो है ना क्या करते थे, वो इंटरेस्ट ही देते थे, जो मूल राशि थी वो कभी भी चुकता नहीं होती थी। फिर उनकी जो आगे वाली जनरेशन थी वो भी उनका एक ग़ुलाम बनकर रह जाती थी, इसीलिए कहा गया इसको कभी भी वो ऋण से उऋण नहीं हो पाते थे, यानी कि वो कर्जे से कभी भी छुटकारा उनको नहीं मिलता था। तो फ्रांस के अंदर भी यही सिचुएशन थी। नेक्स्ट टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी कि जिंदा रहने के लिए जो स्ट्रगल किया फ्रांस की सोसाइटी में वो क्या था। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन 1715 में, जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी, और ये बढ़कर 1789 में कितनी होगी? 28 मिलियन, यानी कि पॉपुलेशन जो थी वो लगातार बढ़ रही थी। इससे क्या हुआ? दिस लेड ए रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई तो खाने की डिमांड भी बढ़ती गई, तो जो डिमांड ऑफ फूड ग्रेन थी वो भी रैपिडली इंक्रीज हो रही थी, तेज़ी से बढ़ रही थी, और प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, लेकिन उसकी कंपैरेटिवली जो प्रोडक्शन थी ग्रेन्स की कुड नॉट कीप पेस, यानी कि उसी स्पीड से जो प्रोडक्शन था वो नहीं बढ़ रहा था जिस स्पीड से पॉपुलेशन फ्रांस की बढ़ रही थी। द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज स्टेपल डाइट, स्टेपल डाइट क्या होती है? जो मेजर क्रॉप होती है जिसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मुख्य खाद्य फसल भी बोल सकते हैं इसको, तो जो वीट थी उसकी जो प्राइस थी वो कंटिन्यू बढ़ रही थी, और मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स, ठीक है, पीजेंट्स के अलावा जो लेबर्स थी वो कहाँ काम करती थी? वर्कशॉप्स के अंदर, लेकिन उनकी जो वेजेस थी वो भी फिक्स थी। वेजेस डू नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस, जो उनके वेजेस थे वो बढ़ नहीं रहे थे, जिन वेजेस पे वो काम करते आ रहे थे तो महंगाई बढ़ने के बाद उनके वेजेस नहीं बढ़ रहे थे जिस
स्पीड से चीज़ों की कीमत बढ़ रही थी बेटा। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। वाइडेंड क्या होता है बेटा? चौड़ा होना। इसलिए जो पुअर और रिच का गैप था वो वाइड होता जा रहा था। थिंग्स बिकम वर्स वैन नेवर। और चीज़ें और भी बुरी हो जाती थी जब कभी सूखा पड़ता था। ड्राउट मीन्स क्या होता है? सूखा। और हेल क्या होता है? ओले। जैसे ही सर्दी बढ़ती थी तो ओले वगैरह जो है हेल्स हो जाता है बेटा, रेनफॉल की बजाय हेल फॉल हो जाता है, और उससे जो हार्वेस्ट थी वो बिल्कुल भी तबाह हो जाती थी। और जब ऐसी सिचुएशन फ्रांस के अंदर बनती थी तो क्या होता था? सबसिस्टेंस क्राइसिस आ जाते थे। समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग दी ओल्ड रिजाइन। तो ओल्ड रिजाइन मीन्स जो प्राचीन राजतंत्र था, जो बूर्बो डायनेस्टी थी, उनके जो रूलर्स थे वो एग्रीकल्चर के लिए कुछ भी जो है कोई भी ऐसा काम नहीं करते थे जिससे जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। यानी कि इस तरफ उनका कोई भी ध्यान नहीं था। उनके सारे एक्सपेंसेस जो थे वो पैलेस के लिए ही होते थे बेटा। तो खेती के लिए, उसके विकास के लिए, उसके सुधार के लिए कोई भी वो कोई ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं अडॉप्ट करते थे। और जब वहाँ पर ड्रॉट आ जाता था या हेल होता था तो सबसिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन बन जाती थी। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता बेटा? न्यू वर्ड्स में देखें, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर एंडेंजर्ड। ठीक है, जो बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड है, ठीक है, फूड, शेल्टर, क्लोथ, वैसे तो बेसिक नीड्स यही आती हैं। तो जीविका निर्वाह यानी कि जो वो कमा रहे हैं, अब उस पर भी कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है जैसे ड्रॉट है या हेल है, तो उससे उनके पास जो पैसा है वो पहले ही नहीं है, तो थोड़े बहुत जो गुजारा कर रहे हैं उसमें भी उनको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वन हुज नेम रिमेंस अननोन, ये एनिनोम आ गया जगह ये वर्ड्स। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस में क्या होता है? जीविका का संकट हो जाता है। तो तीनों सोसाइटीज़ के लोग जो थे, जो थर्ड स्टेट की कैटेगरी थी, उनको ये फेस करना पड़ता था। ऐसा क्राइसिस उनको जो आता ही रहता था और राजा उसके बारे में कुछ भी कोई भी उपाय कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता था। तो ये फिगर जो है बेटा आप इसको फिल करोगे, क्योंकि ये देखो इसके नीचे ये एक्टिविटी के अंदर ये एल्बोक में दिए हुए हैं वर्ड्स, फूड रॉयड्स, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स, इंक्रीज नंबर्स, राइजिंग ऑफ फूड प्राइस, वीकर बॉडीज़। ये जो आपने ब्लैंक्स के अंदर भरना है, ऊपर जो दिए हुए हैं, इसको डायग्राम को कंप्लीट करना है अपनी। फॉर एग्जांपल जैसे बैड हार्वेस्ट है, जब बैड हार्वेस्ट हुई यानी कि फसल अच्छे से नहीं हुई, तब क्या होगा? ये जो हेल्पिंग बॉक्स में दिया हुआ है, राइजिंग फूड प्राइसेस, फसल बहुत कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो जो फूड प्राइसेस हैं वो राइज हो जाते हैं, राइजिंग फूड प्राइस। आप हेल्प बॉक्स में देकर इनको फिल कर सकते हो। और जब फूड की कीमतें बढ़ जाती हैं तब क्या होता है बेटा? सॉरी, ये स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन आएगा इसमें। जब बैड हार्वेस्ट है तो स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन रहेगा। उसके बाद फिर जब स्कार्सिटी क्या होता है? कम होना। फिर राइजिंग फूड प्राइसेस आ जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा? फूड रॉयड्स होएंगे, दंगे होएंगे। ठीक है, लोग जो है पुअरेस्ट कैन नॉट बी बाय ब्रेड। जब है ही नहीं ब्रेड, बहुत कम है, खाने वाले ज़्यादा, तो उसके लिए क्या होएगा? रॉयड्स ही होंगे। तो ये टेबल हमने फिल करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोइंग मिडल क्लास एंड विसेजिस एंड एंड टू प्रिविलेजिस। एंड विसेजिस क्या होता है बेटा? कल्पना करना, इमेजिनेशन करना कि जो ग्रोइंग मिडल क्लास थी, मिडल क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो मिडल क्लास में थे बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ट्रेड्स, लॉयर्स, टीचर्स, ये वाली जो कैटेगरी के लोग थे वो किस में आते हैं? मिडल क्लास, ना ही पुअर ना ही रिच। तो उनको उन्होंने क्या इमेजिनेशन की कि जो प्रिविलेजेस हैं वो ख़त्म होने चाहिए। वो सोचते थे कि जो बर्थ राइट है, ठीक है, वो जो प्रिविलेजेस हैं नोबल्टी और क्लर्जी को मिले हुए, तो
तो वो ख़त्म होने चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। तो इसके लिए इन्होंने क्या स्टेप उठाए, क्योंकि जो मिडिल क्लास है, अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, तो जितने भी वर्ल्ड के अंदर रेवोल्यूशन हुए हैं उनमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका होता है बेटा, मिडिल क्लास का। इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्स। ठीक है, जब भी पास्ट में हम देखते हैं टैक्स इंक्रीज होते थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल था वो किसका होता था, मिडिल क्लास का। पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी, बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर। जब भी कभी सोसाइटी के अंदर जो पीजेंट्स और वर्कर होते थे रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते थे, जब टैक्स ज़्यादा लगा देती थी जो किंग से, और फूड स्कार्सिटी यानी कि खाने की कमी आती थी, तब पीजेंट और वर्कर जो थे वो क्या करते थे, रिवोल्ट करते थे। लेकिन उनके पास कोई प्रोग्राम्स नहीं होते थे, कोई पॉलिसीज नहीं होती थी कि वो फुल स्केल पर अपने जो रिवोल्ट को कर सकें, लोगों को अपने साथ जोड़ सकें और कोई ऐसा सोशल और इकोनॉमिक चेंज ला सकें बेटा, क्योंकि उनमें मेजोरिटी नहीं थी, यूनिटी नहीं थी, उनको कुछ ऐसा वे नहीं पता था जिससे वो जो है रिवोल्ट कर सकें अपने डेस्पोटिक रूलर के विरुद्ध। दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्पर्स एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज। अब जो फ्रांस की सोसाइटी थी जिसमें थर्ड स्टेट के फर्स्ट कैटेगरी के लोग थे वो प्रॉस्पर्स थे और उनके पास क्या था, एजुकेशन थी और न्यू आइडियाज थी। अब जब एजुकेशन थी तभी वो लोग जो हैं राजा की जो नीतियाँ थी, पॉलिसीज थी, उनके विरुद्ध उन्होंने लिखा और आवाज़ उठाई और लोगों को भी उसके बारे में अवेयर किया। तो क्यों किया, क्योंकि वो प्रॉस्पर थे, वो एजुकेटेड थे, अवेयर थे, उनके पास क्या थे, न्यू आइडियाज़। ये अब किन की बात चल रही है, थर्ड स्टेट के फर्स्ट कैटेगरी के लोगों की बेटा, जो जिसमें आ जाते हैं बिजनेस मैन, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, यानी कि पढ़ी लिखी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो मिडिल क्लास में आते हैं हमेशा बेटा। और वो एफर्ट्स भी करते हैं, पीजेंट वर्कर्स जो हैं वो थर्ड स्टेट के सेकंड कैटेगरी में आते हैं, उनके पास कुछ जो है प्रोग्राम्स नहीं है, कुछ सोर्सेज नहीं है जिससे वो बड़े स्केल पर अपनी आवाज़ को उठा पाएँ। अब बड़े लेवल पर जो आवाज़ है या अवेयरनेस है वो कौन लाते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं। द 18th सेंचुरी विटनेस्ड द एमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप। 18th सेंचुरी के अंदर फ्रांस में एक नया सोशल ग्रुप अमर्ज होता है बेटा, टर्म द मिडिल क्लास हु अर्न्ड देयर वेल्थ। अब इनकी प्रॉस्पेरिटी किस पे डिपेंड करती थी, ये क्या करते थे, ओवरसीज ट्रेड, और क्या करते थे, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। अब इनकी जो इनकम का सोर्स क्या था कि ये ओवरसीज यानी फ्रांस से बाहर जाकर काम करते थे और फिर जो भी इंपोर्ट करते थे उनको फ्रांस के अंदर सेल करते थे और इससे वो क्या कर रहे थे, अर्न मनी। मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए थे, वूलन और सिल्क टेक्सटाइल थी, तो इन टेक्सटाइल्स को ये लोग चला रहे थे और आइदर एक्सपोर्टेड और ब्रॉट बाय द रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी। फ्रांस के अंदर जो भी ये प्रोड्यूस जो भी गुड्स लेके आते थे उनको वो सेल करके क्या थे, वो रिच थे, प्रॉस्पर्स थे, पैसा था उनके पास। और इन एडिशन टू मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशंस सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। ठीक है, मर्चेंट और ट्रेडर के अलावा भी प्रोफेशन से फ्रांस के अंदर जिसमें लॉयर्स से या ऑफिशियल्स से, ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। इनकी क्या सोच थी कि सोसाइटी में कोई स्टेट में डिवीज़न नहीं होनी चाहिए, सभी लोग इक्वल होने चाहिए, किसी को बर्थ राइट नहीं मिलना चाहिए, रादर ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन द मेरिट। कि बाय बर्थ किसी को राइट नहीं मिलना चाहिए, बाय मेरिट मिलना चाहिए, उसकी
क्वालिफिकेशन के बेस पर, उसकी कैपेबिलिटी के बेस पर उसको सोसाइटी के अंदर क्या मिलनी चाहिए, सोशल पोजीशन। ठीक है, और क्या चाहते थे ये, फ्रीडम चाहते थे, इक्वल लास्ट चाहते थे और अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, बट एंड वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स, जो मिडिल क्लास में, अभी हमने कुछ प्रोफेशंस की बात की, मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं या लॉयर्स हैं, तो इनके अलावा भी जो मिडिल क्लास में आते हैं वो हैं बेटा फिलोसफर्स। ये क्या करते हैं, अपनी विचारधारा को, अपने थॉट्स को सोसाइटी के अंदर लेकर जाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं एक्सप्लॉयटेशंस के विरुद्ध। तो ऐसे ही कुछ फिलोसफर्स जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम अंडरलाइन करेंगे उनकी बुक्स को, कि उन्होंने ऐसी क्या फिलॉसफी लिखी, क्या लोगों को अवेयर किया, कि उन्होंने भी रेवोल्यूशन के अंदर जो उनका भी रोल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा। तो फिलोसफर्स का जो रोल है वो भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन पुट किया जाता है, तो हम अंडरलाइन करेंगे इसको। फिलोसफर्स हैं पहला जॉन लॉक, जॉन लॉक जो है फ्रेंच फिलोसफर्स हैं। नेक्स्ट है जीन जैक रूसो, शॉर्ट फॉर्म में इसको रूसो ही बोलते हैं, ये फिलोसफर्स हुए हैं फ्रांस के अंदर। इन द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये बुक का नाम बेटे टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकारों के अंदर ट्रीटीज़ क्या होनी चाहिए, संधि होनी चाहिए। लॉक साउट टू क्या करता है, वो रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। जॉन लॉक ने लिखी थी ये बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। जॉन लॉक इसमें क्या कह रहे हैं कि राजा को जो डिवाइन जो पावर्स मिली हैं, एब्सोल्यूट जो पावर मिली हैं, वो ख़त्म हो जानी चाहिए। मोनार्क क्या होता है बेटा, जो है राजा। जॉन लॉक चाहता है कि जो किंग है, जो मोनार्क है, उसको जो डिवाइन पावर्स हैं, क्योंकि किंग्स क्या कहते हैं अपने आप को कि उनके पास दैवी शक्ति है, वो भगवान का ही एक रूप है और हम भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हमें अर्थ के ऊपर क्या मानो तुम लोग, गॉड। तो मोनार्क की जो ये डिस्पोटिक पावर थी उसको वो जॉन लॉक जो थे उसके उसका विरोध उन्होंने किया कि कोई डिवाइन पावर नहीं होनी चाहिए, राजा के पास कोई दैवी शक्ति नहीं है। ठीक है, अब रूसो क्या कहता है, कैरिड आइडिया फॉरवर्ड, उसने क्या किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बुक है इनकी रूसो, हु वाज द ऑथर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सोसाइटी और गवर्नमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बेटा। क्या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कि दोनों मिलकर जो है काम करें सोसाइटी की ग्रोथ के लिए। तो ऐसा सामाजिक समझौता कि लोग जो हैं अपनी गवर्नमेंट को चुने और गवर्नमेंट जो है वो थ्रू जो है ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल वो डिसीजंस लें, तो यानी कि आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक बुक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये बुक है, इसके राइटर कौन थे, मोंटेस्क्यू, जॉन लॉक, रूसो और थर्ड जो थे मोंटेस्क्यू। प्रपोज्ड ए डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और द जुडिशरी। इन्होंने अपनी क्या फिलोसफी दी, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा, कि जो गवर्नमेंट है उसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, इसके ऑर्गन होने चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, कि जो गवर्नमेंट के पास पावर है या किंग के पास पावर है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर, यानी कि इसमें जो पावर प्ले है वो किंग ही नहीं होना चाहिए, जो पीपल्स हैं जो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं या राजा को अपना राजा मानते हैं उनको भी पावर्स होनी चाहिए। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए। अब ये जो मॉडल की गवर्नमेंट है, ये तीनों जो हैं, ये इसको कौन फॉलो कर रहा है, यूएसए, हम भी फॉलो कर रहे हैं, हमारी भी गवर्नमेंट है, उसके 3 ऑर्गन्स हैं। आफ्टर द 13 colonies डिक्लेयर दियर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, जब 13 जो कॉलोनीज थी जो ब्रिटेन के कब्जे में थी, जब वहाँ से उनको इंडिपेंडेंस मिली, तो यूएसए ने वहाँ पर यही सिस्टम अडॉप्ट किया, वहाँ किंगशिप ख़त्म कर दी,
वहाँ पर लोगों को पावर दे दी, वो अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट करें और गवर्नमेंट की पावर भी आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दी 3 ऑर्गन्स के अंदर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटीज ऑफ इंडिविजुअल राइट वाज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पोलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। जो फ्रांस के ये पोलिटिकल थिंकर्स थे, फ्रांस के अंदर बेटा जो ये फिलोसफर्स थे, उनकी सोच पर इस चीज़ का गहरा प्रभाव पड़ा। जो फिलोसफर्स थे वो चाहते थे कि फ्रांस के अंदर भी ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए कि जो रूलिंग पावर है वो अपनी पावर को किस में डिस्ट्रीब्यूट करें, लोगों के अंदर। द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सोलर और कॉफ़ी हाउसेस, सॉरी सैलून है ये। अब जो फिलोसफर्स ने अपने विचार दिए, जो उनकी सोच थी, उसको डिस्कस किया जाता था सैलून्स के अंदर और कॉफ़ी हाउसेस के अंदर, ठीक है, और थ्रू बुक्स और न्यूज़पेपर। यानी कि उनके जो आइडियाज़ थे अपनी ओल्ड रिजाइम को लेकर या मॉडर्न सिस्टम को लेकर, वो धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा पूरे फ्रांस के अंदर थ्रू न्यूज़पेपर और थ्रू बुक्स, और डिस्कशंस होने लगी लोगों के अंदर जब वो इकट्ठे होते थे सैलून्स के अंदर या कॉफ़ी शॉप्स के अंदर। बेटा दीज वर फ्रीक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। न्यूज़पेपर हैं या बुक्स हैं तो वो फ्रीक्वेंटली जो है उनको अलाउडली, यानी कि ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था, और उन लोगों के लिए बेनिफिट था जिनको पढ़ना और लिखना नहीं आता था। द न्यूज़ दैट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सी टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसिस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। तो जैसे ही लुई 16 की प्लानिंग के बारे में कि वो नए टैक्स इम्पोज कर रहा है, जैसे उसने प्लानिंग की, तो ये प्लानिंग की जो खबर थी वो सारे फ्रांस में फैल गई और लोगों को राजा के विरुद्ध बहुत गुस्सा आया और उन्होंने प्रोटेस्ट किया प्रिविलेजेस के विरुद्ध। बेटा तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।